मॉर्निंग। तो 10th क्लास इंग्लिश में हमारे गोल्डन डेज बुक में अभी एक चैप्टर बाकी है, तो उस चैप्टर को अब हम ऑनलाइन स्टडी के द्वारा पूरा करेंगे। ओके, तो लेट्स सी द चैप्टर। चैप्टर का नाम है द रिव्यू, यानी शतरंजी। तो इस चैप्टर में क्या है, एक बाबुली नाम का लड़का है जिसे उसकी फैमिली से एक लेटर आता है। उसके परिवार में कोई बंटवारे को लेकर प्रॉब्लम थी, तो उस लेटर के आने के बाद फिर वो अपने गाँव जाता है। तो ये सारी स्टोरी है, तो इसे हम पढ़ते हैं। As I reached my desk in the office, my eyes stopped over the letter. तो ये बाबूली जो लड़का है वो कह रहा है कि जब मैं अपने ऑफिस अपनी डेस्क पर पहुंचा, तो मेरी आंखें एक लेटर पर रुक गई। तो उसकी डेस्क पर एक लेटर पड़ा था, उसको देखकर उसकी आंखें रुक गई। इट कंटेन दैट फैमिलियर यानी परिचित जानी पहचानी पिटीट हैंड राइटिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर। पिटीट का मतलब होता है छोटे छोटे हैंड राइटिंग, है ना। तो उस लेटर पर जो हैंड राइटिंग थी वो कह रहा है वो मेरी काफ़ी फैमिलियर थी, जानी पहचानी थी, और वो छोटे छोटे अक्षरों में थी, और वो किसकी थी, माई एल्डर ब्रदर थी, यानी मेरे बड़े भाई की। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटन टू मी, तो अब वो कह रहे थे उसने काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे कोई लेटर लिखा। आई शेयर्ड विद हिम फॉर नॉट राइटिंग लेटर फ्रॉम ऑल दीज डेज। कह रहे हैं कि इन दिनों मैंने अपने घर पर कोई लेटर नहीं लिखा था, तो इस अपने घर पर लेटर ना लिखने के कारण मैं अपने अंदर ही अंदर शेयर हो रहा था, यानी मुझे अंदर ही अंदर एक शर्म महसूस हो रही थी कि मैंने लेटर नहीं लिखा और मेरे भाई का लेटर आया। इन माई स्टूडेंट डेज, और कहते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था तो उन दिनों में इट वॉज ऑलमोस्ट रूटीन अफेयर। तो ये एक ना रूटीन अफेयर था, यानी ये हमेशा की घटना थी कि आई यूज टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज ऑन ए रिलेटिव बस, कि मैं अक्सर अपने घर जाता था जो कि दूर एक गांव में था, और मैं कैसे जाता था, ऑन ए रिलेटिव बस, एक टूटी फूटी बस में बैठकर, एक उनके गांव में जाने वाली जो बस थी वो जीर्ण शुरू थी, टूटी फूटी, तो उस बस में बैठकर मैं अपने गांव जाया करता था, अपने घर। केयरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी, और मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता था, बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि जर्नी के कारण मुझे कुछ स्ट्रेन होगा, तनाव होगा, तो मैं उस तनाव की बिल्कुल भी केयर नहीं करता था। और मैं मतलब डेली की तरह बहुत जल्द अपने घर पर चला जाता था। माई होम, माई विलेज, दे यूज टू पुल मी अवे फ्रॉम द मॉडर्न सिटी लाइफ। वो कहे कि मेरा घर और मेरा जो गाँव है वो अक्सर मुझे पुल इन खींचा करते थे, वो मुझे पुल करते थे, खींचते थे, वो मुझे दूर करते थे फ्रॉम द मॉडर्न सिटी लाइफ। मॉडर्न सिटी लाइफ का मतलब यही एक मरता हुआ शहर का जीवन, मॉडर्न यानी मरता हुआ, सिटी लाइफ यानी शहरी जीवन। तो इस शहरी जीवन में जहाँ पर ये दम घुटता था, तो इस मरते हुए शहरी जीवन से मेरा घर, मेरा जो गाँव है वो मुझे अक्सर इससे दूर कर दिया जाते थे, है ना। नाउ थिंग्स हैव चेंज अ लॉट, अब वो कह रहा है चेंज, अब वो कह रहा है कि अब चीज़ें बहुत बदल गई थी, चेंज हो गई थी, एंड आई टू हैव चेंज, और मैं भी बदल गया था, ए ग्रेट डील एट दैट, मैं काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। ए लॉट ऑफ काउबर्ब्स हैव सेटल्ड, काउबर्ब्स का मतलब ना एक तरह के जाले, मकड़ी के जाले मान लो या वैसे, है ना। तो ए लॉट ऑफ काउबर्ब्स हैव सेटल्ड अराउंड मी, वो कह रहे हैं कि मेरे चारों तरफ काफ़ी जाल बिछ गया था, मैं बहुत फंस गया था। आई एम स्वेप्ट बाई दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम, और मैं इनमें बह गया था। By that invisible type of tide का मतलब लहर, invisible यानी अदृश्य, दिखाई नहीं देती ऐसी लहर, और time of business, तो मैं समय की और business की, काम की एक अदृश्य लहर में मैं बह गया था। I was studying at Ravindeshwar, Ravindeshwar में study कर रहा था, where I got my job, और जहाँ पर मुझे मेरी job मिल गई, and now for these 2 years, और अब इन 2 सालों में, I have thought of home, not even once. अब वो कह रहे हैं कि पहले जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अक्सर घर जाता था, लेकिन जब मुझे जॉब मिली तो इन 2 सालों में आई हैव नॉट थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस, मैंने एक बार भी अपने घर जाने के बारे में सोचा तक नहीं, मैंने सोचा नहीं, नॉट इवन वंस, एक बार। मैनी ए टाइम माई मदर हैज रिटन लेटर कंप्लेनिंग अबाउट माई नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हर। अब वो कह रहे हैं कि कई बार मेरी माँ ने मुझे लेटर लिखा और उन्होंने उस लेटर में मुझे कंप्लेन की मेरी नेग्लिजेंसी के बारे में, मेरी लापरवाही के बारे में, कि मैं बहुत लापरवाही कर रहा हूँ इन राइटिंग टू हर, उनको लेटर नहीं लिखता और उनको लेटर लिखने में मैं बहुत लापरवाह हो गया हूँ, ये मेरी माँ ने कंप्लेन की। शी हैज इवन रिमाइंडेड मी ऑफ दोज प्री मैटर्स डे ऑफ माइंड,
रिमाइंड भी करवाया, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि शादी से पहले वाले जो दिन थे उस समय मैं कैसा भी देखा था, तो वो सबके बारे में उन्होंने मुझे याद भी दिलाया। Yet I have never been able to break those strands of complacency. Strands का लिखना धागे, complacency का लिखो आत्मसंतुष्टि। तो वो कह रहा है कि अभी तक भी मैं केबल नहीं हुआ, मैं योग्य नहीं हुआ हूँ इस आत्मसंतुष्टि के धागों को तोड़ने में, which have coiled around me, जिन्होंने मेरी चारों तरफ कॉइल यानी कुंडली मार रखी है। तो मैं यानी मैं यहाँ पर बहुत बिजी हो गया हूँ, मुझे आत्मसंतुष्टि मिल रही है, तो मैं इस आत्मसंतुष्टि के धागों को तोड़ नहीं पा रहा हूँ, है ना। आई हैव कैप्ट क्वाइट टू प्रूव, मैं हमेशा यही प्रूव करता रहता हूँ दैट आई एम बिजी, कि मैं बहुत बिजी हूँ। एंड प्री ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड का मतलब भी होता है बिजी होना, व्यस्त होना, और मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। नाउ शी डज नॉट कंप्लेन, अब मेरी माँ कभी मुझे कंप्लेन नहीं करती है। प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब है संभवतः, शी अंडरस्टैंड माई पोजिशन, और शायद वो मेरी संभवतः जो मेरी पोजिशन है तो मेरी माँ उस पोजिशन को समझती है। यूजली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, मेरा भाई जो एल्डर ब्रदर जो है वो मुझे अक्सर लिखता नहीं है लेटर, है ना। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, क्योंकि उसको मेरे से किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो मेरे से कुछ भी मांगता नहीं है, कुछ भी चाहता नहीं है। ही हैज नेवर सॉट, सॉट का मतलब है ढूंढना, खोजना, एक टोकन, टोकन यानी कि सिक्का फ्रॉम मी, वो मेरे से एक सिक्के के भी सिक्के के बारे में एक वो सिक्का भी मेरे से नहीं चाहता है। इन ल्यू ऑफ, ल्यू ऑफ का मतलब होता है बदले में। हिज कंसर्न फॉर मी एज एन एल्डर ब्रदर, कि वो मेरा बड़ा भाई है, इस बदले में मुझे वो मेरे से एक सिक्का तक भी नहीं चाहता है। इन दोज डेज व्हेन आई वाज स्टूडेंट, कि जब मैं स्टूडेंट था उन दिनों, द ओनली थिंग दैट ही इंक्वायर्ड अबाउट मी अबाउट वाज माय वेलबींग, तो जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे बारे में बस एक ही चीज इंक्वायर करता था, यानी पता लगाता था या पूछता था, तो वो थी मेरी वेलबींग, वेलबींग यानी मेरे कुशलता, यानी मैं ठीक हूँ, राजी हूँ, तो ये बस यही मेरी वेलबींग के बारे में ही वो पता लगाते हैं, बाकी वो मेरे से किसी प्रकार की डिमांड नहीं करते। ड्यूरिंग माय स्टे एट होम, और जब मैं घर रहता था, स्टे यानी रुकना ठहरना, तो जिस दौरान मैं घर पर रहता था तो उस समय ही कुड कैच फिश फॉर मी फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस, तो वो मेरे घर के जो पीछे एक पॉन्ड था ना, तो उस पॉन्ड से वो फिश लेकर आता था। एंड वुड आस्क हिज वाइफ टू प्रिपेयर अ गुड डिश, और फिर वो अपनी वाइफ से कहता है कि एक अच्छी सी डिश प्रिपेयर करें, फॉर आई लव फिश, क्योंकि मुझे फिश बहुत पसंद थी। व्हेन द कैच वाज स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब था बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़ा, तो जब फिश उसे बहुत कम मिलती थी ना, द डिश वुड बी प्रिपेयर एक्सक्लूसिवली फॉर मी, तो उस समय डिश खाना जो था सिर्फ मेरे लिए ही बनाया जाता था, यानी फिशेस कम मिलते थे तो उस समय खाना कोई नहीं खाता था, मतलब तो उस फिश भोजन को, और सिर्फ मेरे लिए खास भोजन बनाया जाता था। ही वुड से टू हिज वाइफ, और वो अपनी वाइफ से कहता, यू मस्ट मेक द डिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट फॉर बाबुली, और वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम जितना हो सके उतना डिलीशियस खाना बनाओ, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट बनाओ, यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट, सरसों के पेस्ट का यूज करते हुए, फॉर बाबुली उस लड़के का नाम है ना, बाबुली के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाओ। इवन नाउ ही इज द सेम मैन विद द सेम टोन ऑफ लव एंड कंपैशन, और आज भी वो वैसा ही व्यक्ति है, और वैसा ही उसमें हमारे लिए प्यार है, वैसा ही कंपैशन यानी वैसी ही दया भावना है। झगड़ा तो सब प्यूर है